हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम रवि है। एडवांस पाइथन सीरीज के इस वीडियो में आज हम लैम्डा फंक्शन को कंटिन्यू करेंगे। इसके पहले वाले पार्ट में हमने लैम्डा फंक्शन को एक्सप्लोर किया था। बेसिक यूज केस हमने देखे थे कि कैसे हम लैम्डा फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं और उसको डिफरेंट यूज केसेस में हमने यूज किया था। जैसे हमने यूज किया था कैसे हम कस्टम सॉर्टिंग के लिए यूज कर सकते हैं, उसको कैसे फिल्टरिंग के लिए यूज कर सकते हैं, मैप फंक्शन के साथ यूज कर सकते हैं लैम्डा फंक्शन को, और इसके प्रोस और कॉन्सेस भी देखे थे कि हम इसके लिमिटेशंस क्या होते हैं लैम्डा फंक्शन के। इस वीडियो में हम उसी को कंटिन्यू करेंगे और थोड़े एडवांस यूज केस भी देखेंगे, ठीक है। तो लैम्डा फंक्शन का अगर आपने पहला वाला पार्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप जाके देख लीजिए। वहां पे हमने डिटेल्ड में लैम्डा फंक्शन को एक्सप्लोर किया है, ठीक है। चलिए, तो इस वीडियो में हम यहाँ पे चार थोड़े एडवांस यूज केस लैम्डा फंक्शन के देखेंगे, जिसमें हम पहला देखेंगे कि कैसे हम हायर ऑर्डर फंक्शन के लिए लैम्डा फंक्शन को यूज कर सकते हैं। उसके लिए जो एग्जांपल हम यूज करेंगे वो डेकोरेटर से, जिसे हम डेकोरेटर कैसे क्रिएट कर सकते हैं लैम्डा फंक्शन की सहायता से। उसके बाद हम नेस्टेड लैम्डा फंक्शन भी देखेंगे या फंक्शन फैक्ट्री कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ये सारे यूज केस हम देखेंगे। कंपोजिशन फंक्शन भी कैसे क्रिएट कर सकते हैं उसको भी हम देखेंगे। तो हायर ऑर्डर अगर हम चलते हैं पहले हायर ऑर्डर पे, तो हायर ऑर्डर फंक्शन क्या होता है? बेसिकली पाइथन में कोई ऐसा फंक्शन जो एक फंक्शन को एज ए पैरामीटर लेता है या एज ए रिटर्न वैल्यू को रिटर्न करता है। मतलब कोई ऐसा फंक्शन है अगर जिसमें जो मान लीजिए मैं यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट कर देता हूँ डेफ, एक फंक्शन क्रिएट कर देता हूँ मान लीजिए पावर, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, पावर फंक्शन क्रिएट कर दिया और मान लीजिए हमें किसी नंबर का या पावर फंक्शन बनाना है। मतलब मान लीजिए पावर ऑफ टू, पावर ऑफ थ्री, ऐसे फंक्शन बनाना है। मान लीजिए हमें किसी नंबर का पावर निकालना है, ठीक है। तो हमें मान लीजिए यहाँ पे एक्सपोनेंट निकालना है, ओ नेन, तो यहाँ पे एक एक्सपोनेंट वैल्यू देंगे, ठीक है। और हमें पावर किसका निकालना हमको पता नहीं है, मैं मतलब किसी पावर टू करना है नंबर का या पावर टेन करना है, मतलब कुछ भी हमें पता नहीं है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे फ्लेक्सिबल फंक्शन रिटर्न कर देंगे। और कैसे रिटर्न करेंगे, यहाँ पे हम एक लैम्डा फंक्शन रिटर्न कर देंगे। कैसे रिटर्न करेंगे, लैम्डा ये कोई वैल्यू लेगा x, क्या लेगा ये कोई वैल्यू लेगा x, जो फंक्शन रिटर्न करेंगे ये क्या लेगा, कोई वैल्यू x लेगा और क्या कैलकुलेट कर देगा उसका एक्सपोनेंट, क्या कैलकुलेट करेगा उसका एक्सपोनेंट, मतलब पावर। एक्सपोनेंट मतलब a की पावर b, तो b क्या होता है एक्सपोनेंट, a क्या होता है बेस, ठीक है। जैसे हम लिखते हैं यहाँ पे a की पावर b, ठीक है, मैंने लिखा ऐसे। तो a क्या है यहाँ पे बेस का और b क्या है उसका एक्सपोनेंट वैल्यू, ठीक है। तो हमें मान लीजिए यहाँ पे मैंने एक जनरल फंक्शन लिखा है जो किसी भी, मतलब इसे आप डिफरेंट तरह के फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं। मान लीजिए स्क्वायर, क्यूब, उसके बाद क्वाड्रेटिक पावर के लिए आप डिफरेंट तरह के। तो हमने क्या किया यहाँ पे एक्सपोनेंट मतलब जो पावर आपको कैलकुलेट करना है वो लिया है और यहाँ पे जनरल मैंने फंक्शन रिटर्न कर दिया है लैम्डा फंक्शन के हेल्प से। जो कोई इनपुट लेता है x, तो देखो यहाँ पे रिटर्न टाइप क्या है, एक फंक्शन ही है, तो इसे हम कहेंगे हायर ऑर्डर फंक्शन। या कोई ऐसा फंक्शन जो एक पैरामीटर भी फंक्शन लेता है उसको भी हम क्या कहेंगे, हायर ऑर्डर फंक्शन। फॉर एग्जांपल जैसे हमारा जो डेकोरेटर हम पढ़ेंगे आगे, वो भी क्या होता है एक हायर ऑर्डर फंक्शन होता है, जो कोई फंक्शन को इनपुट लेता है और उसके प्रॉपर्टी को मॉडिफाई करके रिटर्न करता है, ठीक है। चलिए, तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे कर दिया, ये कर दिया, मान लीजिए हमें निकालना है क्या, पावर ऑफ टू, एक फंक्शन क्रिएट करना है पावर ऑफ, मतलब जो क्या कैलकुलेट करेगा पावर टू, क्या करेंगे हम पावर टू। अब इसने एक फंक्शन रिटर्न कर दिया, ठीक है, इसने क्या कर दिया एक फंक्शन रिटर्न कर दिया। अब आप किसी भी वैल्यू का पावर टू निकाल सकते हैं, मान लीजिए हमें निकालना है 13 की पावर निकालना है हमें, ठीक है। क्या करेंगे हम पावर, जो हमने फंक्शन बनाया यहाँ पे पावर टू, अभी निकालना हमें किसका 13 मान लीजिए 13 का निकालना है हमें, 14 का निकालना है, तो हम क्या करेंगे इसको रन करेंगे, देखो क्या आ गया 196 जो कि 13 का पावर होता है। इसी तरह से आप पावर ऑफ थ्री एक फंक्शन क्रिएट कर सकते हो, या पावर ऑफ बहुत सारे मतलब फंक्शन क्रिएट कर, 3, 5 या 4, 5, ठीक है, ऐसे आप निकाल सकते हो, ठीक है। मान लीजिए मैं थोड़ा और आउटपुट देखता हूँ यहाँ पे, तो सॉरी एक मिनट, ठीक है, अभी मुझे पावर आउट
निकालना है, थ्री भी निकालना है, थ्री निकालना है पावर ऑफ, मैंने जो फंक्शन क्रिएट किया पावर ऑफ फाइव। तो हमने केवल एक फंक्शन क्रिएट किया, उसी से हमने डिफरेंट डिफरेंट तरह के यूज केसेस को, मतलब डायनेमिक फंक्शन हमने यहाँ पे क्रिएट किया, ठीक है, जिसको हम डिफरेंट बिहेवियर पास करा सकते हैं उसके रिटर्न टाइप के, क्योंकि हमने रिटर्न टाइप एक फंक्शन रिटर्न किया, ठीक है। तो अभी मैं इसको रन करूंगा, देखो यहाँ पे आपको पावर ऑफ, हाँ पावर ऑफ टू या पावर ऑफ थ्री हो जाएगा, ठीक है, ये पावर ऑफ फोर हो जाएगा, ये पावर ऑफ फाइव हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं एक और दे देता हूँ, पावर टू, ठीक है, और एक मिनट मैं कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। कंट्रोल बी, ठीक है, और ये पावर होगा थ्री का, ये फाइव फोर का, और ये क्या होगा फाइव का। तो हमने यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्रिएट कर लिया, अगर हम रन करेंगे देखो आपको डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो ये इनपुट वैल्यू को, मान लीजिए यहाँ पे मैं इनपुट लेता हूँ, इनपुट इनपुट जो लेंगे हम यूजर इनपुट लेंगे, इनपुट और एंटर नंबर, ठीक है, उसके बाद हम क्या प्रिंट करेंगे, इसी इनपुट से हम वैल्यू प्रिंट करेंगे, ठीक है, ठीक है। तो अभी हम इसको रन करते हैं, अगर तो इंटर नंबर मान लीजिए हमें निकालना है किसका, फाइव का, देखो फाइव का सारे पावर यहाँ पे कैलकुलेट होके आ गए। तो इसको आप इसी तरह से यूज कर सकते हैं। तो हमने इसको हम कैसे यूज कर पा रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे एक फंक्शन रिटर्न किया है लैम्डा फंक्शन, तो ये क्या है, एक हायर ऑर्डर फंक्शन है, इससे हम बहुत सारे फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा पहला यूज केस हो गया, हम चलते हैं नेक्स्ट यूज केस पे, जो है क्या, कैसे हम इसको डेकोरेटर में भी यूज कर सकते हैं। तो अगर आपको डेकोरेटर पता हो तो डेकोरेटर क्या करता है, कोई फंक्शन लेता है, मान लीजिए यहाँ पे मैं एक डेकोरेटर बनाता हूँ, डेकोरेटर क्या बनाता हूँ, मान लीजिए मैं किसी का एक एक फंक्शन बनाता हूँ डेफ और गेट नेम, या गेट नेम इसको अपना नेम देगा यहाँ पे, और मान लीजिए मैं उसका रिटर्न कर रहा हूँ क्या, नेम के साथ, ठीक है, उसके नाम को रिटर्न कर रहा हूँ। अब मैं क्या चाहता हूँ कि जब भी अपना नाम कोई यहाँ पे दे तो उसको हेलो और उसका नाम करके बुलाए, तो क्या कर सकते हैं आप यहाँ पे, एक तो आप पहले या तो प्लस लगा सकते हैं यहाँ पे हेलो, जो सबसे सिंपल हम कर सकते हैं हेलो, ठीक है, प्लस ये आपका नाम जो होगा वो आपको रिटर्न करके मिलेगा, ठीक है। मतलब जब आप यूजर आप कोई नाम यहाँ पे एंटर करेगा तो उसको क्या मिलेगा, हेलो मिलेगा। मान लीजिए मैं इनपुट लेता हूँ यहाँ पे, और ये होगा क्या, एंटर योर नेम, यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ, रोल डी, एंटर, एंटर योर नेम, ठीक है, सॉरी, एंटर योर नेम, और हम क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे प्रिंट गेट नेम, जो है ऐसे हेलो फंक्शन बना सकते हो आप यहाँ पे। यहाँ पे क्या एक थोड़ा सिमेंटिक होना चाहिए, से हेलो या बेस से हेलो, ठीक है, से हेलो, से हेलो, और एक लेगा एक नेम लेगा, इसको मैं नेम कर देता हूँ, ठीक है। देखो इंटर नेम रवि है, सॉरी एक मिनट, ओके, एक मिनट, इंटर अ नाम, ओके ओके, इसको मैंने अभी यहाँ पे हटाया नहीं, तो इसको मैं हटा देता हूँ, इसको कमेंट कर देता हूँ, ठीक है, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ अभी, ताकि दो दो इनपुट ना रहे हमारे में। अभी इंटर अ नेम रवि, तो हेलो रवि, ठीक है, तो ये आ रहा है। इसको हम डेकोरेटर की हेल्प से भी कर सकते हैं। डेकोरेटर का काम क्या होता है कि आप कोई उसको फंक्शन पास करोगे इनपुट में, तो क्या करेगा वो क्या करेगा,
वो जो होगा वो उसके बिहेवियर को चेंज कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आप कोई फंक्शन पास करोगे, मान लीजिए वो केवल नाम वहाँ पे एंटर कर रहा है उसका, यहाँ पे क्या कर रहा है केवल नेम रिटर्न कर रहा है उसका, और हमें क्या करना है कि उसको क्या कर देना है, एक मान लीजिए उसका केवल नेम है, यहाँ पे गेट नेम फंक्शन है भी। उसके बाद क्या हो रहा है कि जब वो उस मान लीजिए मैं यहाँ पे एक डेकोरेटर लगा दे रहा हूँ बिस हेलो या से हेलो करके, मैं यहाँ पे क्या बनाता हूँ एक डेकोरेटर बनाता हूँ, और जब मैं उसको लगा दूंगा तो नाम प्रिंट तो करेगा, बट क्या कर देगा उससे पहले क्या कर देगा वो हेलो ऐड कर देगा। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पे एक डेकोरेटर भी बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लैम्डा फंक्शन। तो कैसे बनाएंगे उसको देखते हैं। तो क्या करेंगे, पहले एक डेफ बनाएंगे, डेफ बनाने के बाद डेफ मान लीजिए यहाँ पे मैं से हेलो हेलो ये क्या लेगा, डेकोरेटर हमेशा एक फंक्शन लेता है इनपुट में, मतलब जिसका हमें बिहेवियर चेंज करना है। उसके बाद हम यहाँ पे रिटर्न करेंगे यहाँ पे लैम्डा एक फंक्शन रिटर्न कर देंगे, और जो फंक्शन क्या करेगा यहाँ पे क्या लेगा, वो फंक्शन जो होगा कोई नेम लेगा तो उसके बाद नेम में क्या ऐड कर देगा, हेलो ऐड कर देगा, और उसके बाद उसका नेम को रिटर्न कर देगा, मतलब फंक्शन नेम। ठीक है, अब देखो इसको मैं क्या कर देता हूँ, ऊपर कर देता हूँ कट करके, ये ओप में आ जाए इसके। अब मैं अगर इसको रन करूँ इंटर नेम, उसके बाद प्रिंट प्रिंट गेट नेम, ठीक है ये इनपुट लेगा। ठीक है, अगर हमें इसको अब रन करता हूँ, ठीक है इंटर नेम रवि, देखो हेलो रवि आ गया, यहाँ पे एक स्पेस भी दे देता हूँ जॉन, देखो हेलो जॉन करके आ गया। तो इस तरह से आप लैम्डा फंक्शन के हेल्प से भी क्या कर सकते हैं, आप डेकोरेटर क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने क्योंकि ये क्या है, एक इनपुट फंक्शन लेगा और उस फंक्शन के बिहेवियर को चेंज कर देगा। क्या क्या इसने कुछ नहीं किया है, इसने हेलो केवल उसके आउटपुट में जोड़ दिया है, मतलब ये इनपुट क्या लेगा, एक नेम ही तो लेता है फंक्शन। तो इसलिए इसको अगर आप चाहें तो आप जो नॉर्मली हम डिफाइन करते हैं ना, जो हेलो जो अपना डेकोरेटर डिफाइन करते हैं, उस तरह से भी इसको आप लिख सकते हैं। कैसे करेंगे, यहाँ पे इसके अंदर हम एक फंक्शन और क्रिएट करेंगे, ठीक है रैपर फंक्शन, और रैपर फंक्शन क्या लेगा, नेम इनपुट लेगा यहाँ पे, और उसके बाद क्या करेगा वो जो फंक्शन है हमारा फंक्शन, ठीक है ये जो फंक्शन हमारा है उसमें क्या कर देगा, हेलो वर्ड हेलो क्या कर देगा, जोड़ देगा। तो जो इसको हटा देता हूँ, क्या करेगा यहाँ पे ये यहाँ से क्या करेगा, ये इसको रन करेगा, फंक्शन को रन करेगा, नेम इनपुट लेगा, और उसके पहले क्या कर देगा, ये मान लीजिए मैं क्या करता हूँ प्रिंट, जो ये वैल्यू होगा जो आउटपुट होगा वो क्या होगा, हेलो हेलो फंक्शन का नेम, और क्या कर देगा यहाँ पे प्रिंट कर देगा आउटपुट को, और रिटर्न कर देगा क्या रैपर को, या रिटर्न कर दो यहाँ से आउटपुट रिटर्न आउटपुट। ठीक है, अब हम इसको ऐसे भी रन कर सकते हैं, मैं इससे पहले कमेंट कर देता हूँ, अगर मैं अभी रन करूँगा तो देखते हैं क्या आता है, नेम रवि, देखो हेलो रवि अभी भी है, क्या हो रहा है आ रहा। तो ये हमारा जो कन्वेंशनल वे होता है किसी भी डेकोरेटर को डिफाइन करने का वो, बट आपको वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम देखो एक फंक्शन ही रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है ना, और इसमें भी हम क्या कर रहे थे, इसी को लैम्डा के फॉर्म में कन्वर्ट करके रिटर्न कर रहे थे। ठीक है, तो ये क्या है, हमारे हायर ऑर्डर फंक्शन है पाइथन। ठीक है, चलिए चलते हैं हम अपने
नेक्स्ट यूज केस पे जो कि है हमारा क्या ये है क्या है यहाँ पे, हाँ नेस्टेड या फैक्ट्री मेथड, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं कि मान लीजिए यहाँ पे मैं एक मान लीजिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक बनाता हूँ फंक्शन, मान लीजिए कोई ऑपरेशन है, ठीक है। अब ये ऑपरेशन कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये ऑपरेशन क्या हो सकता है, ऐड हो सकता है, या मान लीजिए यहाँ पे करता हूँ मैं एक ऑपरेटर बनाता, एक ऑपरेशन बनाता हूँ और ये कोई ऑपरेशन लेगा, ऑपरेशन लेगा, ठीक है। ये कोई ऑपरेशन लेगा, अब ऑपरेशन क्या हो सकता है, ऐड हो सकता है, सब्ट्रैक्ट हो सकता है, ठीक है। अब ये रिटर्न क्या करेगा, एक लैम्डा फंक्शन, क्या करेगा, एक लैम्डा फंक्शन एक्स वाई मान लो अगर ले रहा है वो इनपुट जोड़ने के लिए दो नंबर को, तो रिटर्न क्या करेगा, एक्स प्लस वाई इफ ऑपरेशन क्या है हमारा, एड है, ठीक है। अगर एड है ऑपरेशन, अगर मान लो एल्स क्या है, अगर एड नहीं है तो क्या रिटर्न कर देगा वो, एक्स माइनस वाई, ठीक है। इसको हमने देखो यहाँ पे किया है, अभी मैं करता हूँ, क्या करता हूँ यहाँ पे एक ऑपरेशन वन बनाता हूँ और ऑपरेशन में करता हूँ एड डाल देता हूँ, ठीक है, ठीक है। एक ऑपरेशन टू बनाता हूँ और ऑपरेशन में क्या डाल देता हूँ, मैं कुछ भी डाल देता हूँ, मतलब मान लीजिए डिवाइड या सब्ट्रैक्ट कुछ भी कर दो आप, अदर अदर में हमने क्या देखा, माइनस कर देगा वो। आप कुछ चाहें तो सब्ट्रैक्ट इसको क्या कर सकते हैं आप, सब्ट्रैक्ट, ठीक है। मतलब मान लीजिए अगर हम दो ऑपरेशन को यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अब अगर मैं करें प्रिंट करें तो ऑपरेशन जो वन है हमारा, ऑपरेशन वन में अगर मैं टू कॉमा थ्री दूँ, ठीक है, तो क्योंकि ये क्या है एड का है, तो हम ये क्या रिटर्न करेगा, एड। सेम अगर मैं ऑपरेशन टू करूँ, ठीक है, ऑपरेशन टू को मैं दूँ फोर कॉमा सिक्स, ठीक है, अब क्या करता हूँ मैं इसे प्रिंट करता हूँ, देखो क्या आएगा, फाइव कॉमा दो तीन पाँच चार मतलब छः गेन माइनस टू। इस तरह से आप लैम्डा फंक्शन की हेल्प से एक तरह से इसको क्या क्रिएट कर सकते हैं आप। यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक फंक्शन रिटर्न किया है बट बेस्ड ऑन सम कंडीशन, तो ये भी एक हायर ऑर्डर फंक्शन ही है। इसको चाहे तो आप नेस्टेड मतलब लेमडा के अंदर लेमडा लगा के भी इसको आप ऑपरेशन को डिफाइन कर सकते हैं। कैसे करेंगे, ऑपरेशन जो हमारा होगा वो कोई फंक्शन होगा, तो मतलब लेमडा होगा, मान लीजिए ऑपरेशन है वो एक क्या ले रहा है ऑपरेशन, यहाँ पे जिसको इनपुट लिया तो हमने क्या लिया ऑपरेशन इनपुट लिया। अब क्या करेंगे, हम डिफाइन करेंगे लेमडा एक्स कामा वाई, अब क्या रिटर्न करेगा, एक्स प्लस वाई इफ ऑपरेशन इक्वल टू एड, एल्स का डिफाइन करेगा x माइनस वाई। देखो हमने इसको लैम्डा के अंदर एक और लैम्डा लगा दिया, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, फिर भी ये क्या होगा, वर्क करेगा, ठीक है। देखो ये भी फिर भी क्या हो रहा है, वर्क कर रहा, तो हमने यहाँ पे सीख लिया कि कैसे हम लैम्डा के अंदर लैम्डा लगा सकते हैं। तो हम जो नेस्टिंग करते हैं फंक्शन की, उसको हम चाहें तो दो लैम्डा के हेल्प से भी कर सकते हैं, मतलब हम अपने हायर ऑर्डर फंक्शन को डबल लैम्डा के नेस्टेड लैम्डा के यूज करके भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम और देखते हैं लास्ट वाला, यहाँ पे जो हमारा है क्या, कंपोजिशन। जैसे हम पढ़ते हैं ना यहाँ पे मैथ जो हम पढ़ते थे, कैलकुलस में पढ़ते थे, जी ओ एफ एफ ओ एफ, ठीक है, मतलब एक फंक्शन के ऊपर दूसरा फंक्शन इंप्लीमेंट करना, कंपोज करना, ठीक है, तो उसको भी हम यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मान लीजिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक कंपोजिशन फंक्शन डिफाइन करता हूँ, कंपोजिशन जो दो फंक्शन लेगा, ठीक है, कंपोज करके मैं फंक्शन बनाता हूँ लैम्डा, दो लेगा एक एक और एक जी लेगा, और क्या रिटर्न कर देगा ये एक्स, उसके बाद दोनों फंक्शन क्या करेगा, इंप्लीमेंट कर देगा, ठीक है, जी ऑफ एक्स, ठीक है, ये क्या करेगा, इंप्लीमेंट करेगा। अब यहाँ पे दो फंक्शन बनाता हूँ, मान लीजिए एक है एड टू, में कोई नंबर में दो ऐड कर देंगे हम, तो लैम्डा एक्स एनी एक्स प्लस टू हो जाएगा, और एक फंक्शन बनाता हूँ जो एफ बनाएगा, ये हमारा क्या हो गया, मान लीजिए एफ है, ठीक है, ये हमारा क्या है एफ है, हम सेम क्या बनाएंगे, जी मान लीजिए एक स्क्वायर बनाना है हमें, किसी का नंबर का स्क्वायर कर देना, ठीक है, तो लैम्डा की तरह इसे भी डिफाइन करेंगे एक्स इंटू एक्स की पावर टू, ठीक है, और ये हमारा क्या हो गया
ये हो गया ठीक है। आप क्या करेंगे, हम मान लीजिए एक ट्रांसफॉर्म हमने बना रहे हैं जो हमारा किसी वैल्यू को ट्रांसफॉर्म करेगा, जिस पे दोनों फंक्शन को क्या करेगा, इम्प्लीमेंट करेगा या ए फॉर्म ठीक है। क्या करेगा, कंपोजिशन फंक्शन होगा एक क्लास है, कंपोजिशन फंक्शन, कंपोज यहाँ पे कंपोज ठीक है, कंपोज ठीक है। और एक क्या लेगा, दो फंक्शन लेगा, ए टू लेगा और एस क्यू लेगा, मतलब जी और एफ लेगा ठीक है। अब हम किसी वैल्यू को इस पर रन करें, प्रिंट ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म अगर मैं करूं किसी वैल्यू को, मान लीजिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, फाइव को क्या करता हूँ, ट्रांसफॉर्म कर देता हूँ, तो पहले क्या करेगा ये जी को इम्प्लीमेंट करेगा, मतलब पहले से करेगा क्या करेगा, स्क्वायर करेगा तो 25 आएगा, और फिर बाद में क्या करेगा, एफ को इम्प्लीमेंट करेगा तो मतलब बाद में दो उसमें एड करेगा, तो देखते हैं क्या इसका आउटपुट है। देखो 27 आया ना, क्योंकि पहले इसने क्या किया, इसमें इसका स्क्वायर किया, मैंने जी, इसने पहले जी इम्प्लीमेंट किया, क्योंकि जी सबसे अंदर पर जी इम्प्लीमेंट किया, तो जी क्या स्क्वायर है, तो स्क्वायर करेगा तो 25 हो जाएगा, बाद क्या करेगा, क्या करेगा बाद में, इसका क्या करेगा बाद में, स्क्वायर के बाद दो इसमें जोड़ देगा ठीक है। इसमें ऐसे आप चाहें तो एक और भी डिफाइन कर सकते हैं, मान लीजिए यहाँ पे एच एक और डिफाइन कर दे रहा हूँ कंपोजिशन के लिए, तो एच बाद में हम मान लीजिए यहाँ पे ला रहे हैं ठीक है, बाद में हमने एच भी ला रहे हैं, तो एक फंक्शन में यहाँ पे और डिफाइन करना पड़ेगा, मान लीजिए हम यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन करते हैं डिवाइड ठीक है, लैम्डा कोई एक्स आएगा तो एक्स को मान लीजिए वो 10 से डिवाइड कर देगा ठीक है, मतलब नॉर्मलाइज करके 10 से डिवाइड कर देता ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसको एक और दे देता हूँ टेबल ठीक है, अब देखते हैं क्या आएगा, अब क्या आना चाहिए, 2.7 आना चाहिए देखा जाए तो ठीक है, देखो 2.7 इसका वैल्यू क्या हो रहा है, आ रहा है। तो इस तरह से हम डिफरेंट कंपोजिशन फंक्शन भी इससे लैम्डा की सहायता से क्रिएट कर सकते हैं, ये भी हमारे हायर ऑर्डर फंक्शन के अंदर ही आएगा ठीक है। तो इस तरह से इस वीडियो में हमने सीखा कि कैसे हम लैम्डा का एडवांस यूज भी कर सकते हैं, इसको आपको अगर पता रहेगा तो आप कहीं ना कहीं पे इसका यूज आपको आ जाएगा, जैसे कॉमन यूज मैंने बताया, जो लैम्डा फंक्शन को आप डेकोरेटर के लिए यूज कर सकते हैं ठीक है, आप इससे आप फ्लेक्सिबल डायनेमिक्स फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं, इसको आप जिसके बिहेवियर को आप चेंज कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो इस तरह से लैम्डा फंक्शन को हम एफिशिएंटली अपने कोड के अंदर यूज कर सकते हैं। हो सकता है ये थोड़ा आपको कॉम्प्लेक्स लग रहा हो, बट आप थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे इसको तो ये बहुत ही आसान होता है लैम्डा फंक्शन। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक द वीडियो, थैंक यू।